राप्ती नदी में भी नौकायान की तर्ज पर नगर निगम के द्वारा जल्द ही बोटिंग शुरू की जाएगी, जिसके संबंध में नगर निगम के द्वारा टेंडर पाने वाले एक प्राइवेट फर्म के प्रोप्राइटर अमर निषाद ने बताया कि अब पर्यटक व स्थानीय लोग रामगढ़ ताल की तरह जल्द ही राप्ती नदी में भी बोटिंग का आनंद उठा सकेंगे। शुक्रवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बोट का ट्रायल भी कर लिया है तथा उन्होंने कहा कि राप्ती नदी का जलस्तर कम होते ही बोटिंग को शुरू कर दिया जाएगा। नदी में 1 किलोमीटर की लंबाई में स्पीड बोट जाएगी। मोटर बोट 500 मीटर की लंबाई में जाएगी। मोटर बोट की सवारी के लिए 50 रुपये तथा स्पीड बोट की सवारी के लिए 100 रुपये देना होगा। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए 2 रेस्क्यू बोट भी रखा जाएगा। नगर निगम ने संचालन की जिम्मेदारी एक प्राइवेट फर्म को दी है। यहां डबल डेकर बोट चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 100 रुपये लिए जाएंगे। 1 किलोमीटर की लंबाई में जेट स्कीइंग चलाने के लिए 200 रुपया लिया जाएगा। शिकारा बोट भी संचालित किया जाएगा, जिसका संचालन गुरु गोरखनाथ घाट जय श्री राम घाट के बीच किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राइवेट फर्म के प्रोप्राइटर अमर निषाद ने कहा, निषाद। नौकायन के तर्ज पर यहाँ पर बोटिंग का शुभारंभ किया जा रहा है, इसका क्या रेट किराया रहेगा, लोगों किस तरह से फायदा हो रहा है? यहाँ पे अभी मोटर बोट का हम लोग किराया 50 रुपये रखे हैं और मोटर जो स्पीड बोट आएगा उसका 100 रुपये रहेगा। बाकी यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे उनके लिए लाइफ जैकेट वगैरह उपलब्ध कराएंगे, रिंग भी रहेगी, बोट सुविधा भी अच्छी रहेगी। कितना इससे लोगों को फायदा मिलेगा, पर्यटन किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा?
पर्यटन के बढ़ावे के लिए हम लोग सारी तरह की बोटें डालेंगे, धीरे धीरे हर तरह के यहाँ पे बोट डालेंगे, और जो भी जिस तरह से जैसे भी जहाँ घाट पे होते हैं उसे हम लोग अधिक से अधिक सुविधाजनक पर्यटकों के लिए बनाएंगे। देखा जाए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, अभी छठ का पर्व आ रहा है, लोग यहाँ पर कई घाट है तो लोग नहाने के लिए भी आते हैं। हाँ हाँ घाट है यहाँ पे, अब छठ का माहौल चल रहा है, इस समय बहुत तगड़ा भीड़ हो रहा है, और उसके लिए हम लोग बोट भी अभी साइड से ही लगाए हैं, जब जैसे ही छठ पर्व ख़त्म होता है हम उसी घाट से पे हम लोग अपना फ्लोटिंग प्लेटफार्म बना के वहाँ से हम लोग संचालन करेंगे।